तो जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो है पेमेंट लिस्ट में अगर किसी का नाम आ जाता है तो उनका जो है 100% है कि उनको अकाउंट में पैसा आएगा तो आएगा 100%, ये गारंटी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि सबका जो है पैसा आना जो है बैंक में स्टार्ट हो चुका है, शुरू हो चुका है, कितनों का अभी गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लाइव प्रूफ आपको दिखाने वाले हैं कि किसको जो कितना रुपया पेमेंट जो अकाउंट में आया है। तो मेरा नाम है नीरज मेहता और आप देख रहे हैं नीरज एजुकेशन तक यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो है पासबुक का स्क्रीनशॉट है और ये जो स्क्रीनशॉट है यानी कि जो पेमेंट जो आया वो 14 मई 2022 को आया और यहाँ पे पेमेंट आप सब देख सकते हैं और ये पेमेंट जो किसके थ्रू आया है, जैसे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की तरफ से जो आया 14 मई 2022 को 2,220 रुपये आया है। एक और आपको यहाँ पे SMS दिखाते हैं और उसी डेट को यानी कि 14 मई 2022 को एक और यहां पे देख सकते हैं डेट है और 11:16:10 को और यहां पे 1,800 रुपया देखेंगे क्रेडिट हुआ है, ठीक ना। तो इस तरह से आप सब यहां देख सकते हैं कि पैसा जो आना स्टार्ट हो गया और किसको कितना रुपया आएगा, कैसे आपको ये पता करेगा, ऑनलाइन कैसे चेक करेंगे, इसके लिए क्या करना है आपको, ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको चलना है। जैसे कि यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो है ऑफिशियल वेबसाइट जिसको आप पोर्टल बोल सकते हैं, इस पोर्टल पे हम यहाँ पे आ गए हैं और यहीं से सारा काम आपको हम दिखाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके लिस्ट में अपना नाम चेक करना है। अगर सिंगल नाम चेक करेंगे तो आपको जो एप्लीकेशन आईडी का जरूरत पड़ेगा और एप्लीकेशन आईडी निकालने के लिए जो आपको क्या करना है, वेरीफाई योर एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर पे क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद आपसे जो आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से आप अपना जो यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी को निकाल सकते हैं, ठीक ना। यानी कि आधार नंबर डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से एप्लीकेशन आईडी निकाल सकते हैं और अगर सिंगल का निकालना है, अगर एक डिस्ट्रिक्ट का निकालना है तो यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका से आप निकाल सकते हैं। होम पेज पे आपको वापस से आ जाना है और होम पेज पे आने के लिए होम पेज आने के बाद जो है रेडी फॉर पेमेंट वाला लिस्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि अभी हम आपको बताए थे कुछ अपडेट के बारे में, यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता देना चाहेंगे आपका जो बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए और साथ ही साथ अकाउंट में आपका जो है लिंक होना चाहिए, आधार लिंक होना चाहिए, ठीक। अगर किसी का इस लिस्ट में नाम नहीं आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस स्टूडेंट का जो है वेरिफिकेशन चालू है और वेरिफिकेशन जो हो रहा है यानी उसका नाम बाद में जोड़ दिया जाएगा, ठीक, उसको आपको इंतजार करना है। इसी में एक और यहां पे बताया गया है, एक सूचना दिया गया है, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका अप्लाई का डेट जो है 2021-22 है और उसका जो है अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है, अगर उसका आय जो 2.5 लाख तक है यानी कि 2.5 लाख तक है, उनको जो राज्य सरकार के द्वारा 40% ही जो है स्कॉलरशिप दिया जाएगा यानी कि कंपलसरी शू और मेंटेनेंस अलाउंस शू दिया जाएगा। अगर ऐसा कोई स्टूडेंट इसी के डिग्री का अगर 2.5 लाख से 3 लाख तक के बीच में आता है तो उसको 100% जो सरकार के द्वारा दिया जाएगा, ठीक। अगर आप यहां पे अपना सिंगल निकालना चाहते हैं, सिर्फ अपना देखना चाहते हैं, इस वाले ऑप्शन में सिर्फ आप फिलअप करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या फिलअप करेंगे, अपना एप्लीकेशन नंबर को फिलअप करेंगे। आप जब प्रिंट आउट दिया होगा तो उस प्रिंट आउट में भी आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन नंबर, यहां पे आपको देना है। अगर सिंगल चेक करेंगे तो अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट का चेक करना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट का चेक करने के लिए आपको सबसे पहले यहां पे ईयर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे, कोई भी डिस्ट्रिक्ट यानी कि हम यहाँ पर आपको जो है बताने के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद कैटेगरी को यहाँ पे हम आपको सिलेक्ट कर लेते हैं। कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद जो है इस दोनों ऑप्शन को हम यहाँ पे खाली छोड़ देते हैं क्योंकि हमको एक डिस्ट्रिक्ट का देखना है, इसीलिए हम यहाँ पे सिंपल सा जो है इस दोनों को खाली छोड़ देते हैं और सर्च के ऊपर पे क्लिक कर देते हैं। अगर जो भी फिलअप किया अगर इससे जुड़ी अगर होगा तो अपडेट तो यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा, अगर नहीं होगा तो फिर नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पे सब देख सकते हैं इससे जो जुड़ी अपडेट यहाँ पे है, सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इससे कितना स्टूडेंट का जो है इसमें इसके अंदर है, तो इसके इस जिला के अंतर्गत यहाँ पे जैसे कि आप सब देख पाएंगे कितना स्टूडेंट कुल जो है 100 से प्लस यानी कि 200 के पार जो चल गया है, जैसे कि यहाँ पे आप सबको हम यहाँ पे दिखाने का कोशिश करेंगे। पूरे जो है इसमें जो है 400 जो है जैसे कि यहाँ पे देख सकेंगे 434 स्टूडेंट है जिसका नाम इस लिस्ट में आया, ठीक ना। तो सभी को यहाँ पे देखेंगे अलग अलग जो पेमेंट दिया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे पेमेंट देखेंगे किसी को जो इतना है और किसी को इतना है। यहाँ पे जैसे कि इससे पहले बताया था अगर किसी अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है, अनुसूचित जाति के अंतर्गत आने के बाद अगर उसका इनकम जो 2.5 लाख तक है तो उनको जो है 40% ही दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे इसको और इसको दोनों को जोड़ने के बाद जो है 1194 थोड़ा होगा, ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है 40% इसको लेस करके दिया जा रहा है क्योंकि जो है सरकार के रूल के अनुसार जो है यहाँ पे ये जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं और इसका आय जो है 2.5 लाख से कम है, ठीक ना। जिसी तरह यहाँ पे जैसे कि आप सब देख पाएंगे इस वाले ऑप्शन में भी यहाँ पे देख पाएंगे, इसमें भी वही वाला नियम जो यहाँ पे लागू कर दिया गया और यहाँ पे भी वही नियम लागू है, यानी कि ज़्यादातर देखेंगे उसी तरह कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं जो सभी को उस तरह से ही पेमेंट यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक ना। तो इस तरह से आप अपना अगर नाम लिस्ट में आता है तो आप अपना जो है आपको कितना रुपये मिलने वाला एडवांस में पहले आप देख सकते हैं। अगर लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको 100% है, आपको भी रुपया मिल जाएगा। अगर लिस्ट में नाम आने के बाद 10 से 15 दिन के अंदर में जो आपको भी रुपया मिल जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और आपका भी नाम लिस्ट में जरूर आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।